और तेरे को ये चीज पता है, उस तरफ की जो 3 नंबर की लेन है, वो सॉरी 4 नंबर की लेन है, वो यार ये सब बोलने की नहीं होती, ये सब बोल के मत डरा मुझे, ठीक है यार। ये नारियल के पेड़ पे ना उल्टे पैर चुड़ैल चढ़ती है, मैं नहीं रुकूंगी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी सिब्बू के साथ एक स्पेशल, मतलब स्पेशल तो नहीं, एक सिब्बू के साथ एक अर्जेंट बात करनी थी हमने, और वो अर्जेंट बात ये थी कि सिब्बू हमने अपना अंडमान का टूर जो है एक्सटेंड कर दिया है। अब हम 15 को नहीं, अब हम बाद में जाएंगे एक हफ्ता और रुक के। क्यों? क्यों क्या यार, कुछ देखा ही नहीं हमने ठीक से, तो इसलिए। पागल हो क्या, तुमने पूछा वो करने से पहले? वैसे पूछना तो चाहिए था एक बार, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने सबको बुला रखा है, कास्ट वास्ट है, मेरी शूट है मेरा। फिर यार ऐसे नहीं होता भैया, हमने अंडमान की ट्रिप में कुछ अभी तक इतना खास नहीं किया, बस हम एक सेलुलर जेल गए थे और ये मतलब ये होटल देखा हमने। यार ट्रिप तो दोबारा भी हो जाएगी, मैंने सबको बोल रखा है, मैंने सब कुछ अरेंज कर रखा है, 17 को आंटी को बोल दिया, सबको बोल दिया, मेरा शूट है, मैं नहीं रुक सकती यार। देखो मेरे को जाना है, फिर ऐसे मेरी बात खराब होती है, और मैंने मतलब ऑडियंस को भी अनाउंसमेंट कर दी थी तुम्हारे ब्लॉग में भी कि मेरी सीरीज आने वाली है, जो भी है सबको बोल दिया था मैंने। मैसेज भाई ऐसे नहीं होता, ट्रिप एक्सटेंड करनी है ना, वैसे आप बताओ। बिल्कुल करनी है, तो देखिए ऐसे थोड़ी ना होता। अच्छा चल सुन, तेरी सारी बात ऐसे नहीं मानेंगे, तू ये चाहती है ना कि 15 को हम जाए, और क्या, तो एक काम कर, फिर जाएंगे हम 15 को, अगर तू एक काम कर देगी, एक चैलेंज है, कुछ उटपटांग चैलेंज होगा। नहीं मैंने और भैया ने ना अभी उधर रिजोर्ट के कोने पे बीच की साइड एक पेड़ देखा था, तेरे को उस पेड़ के नीचे 10 मिनट गुजारनी है, अगर तूने उस पेड़ के नीचे 10 मिनट गुजार दी तो जो तू बोलेगी 15 को जाना है तो हम 15 को जाएंगे। फिर पेड़ के पास मतलब क्या है वहाँ पे, ऐसे क्यों बोल रहा है? वो पेड़ हॉन्टेड है, भूतिया पेड़ है वो। ओ, मेरे को भूतों से वैसे डर लगता है, मेरे को, मैं नहीं कर रही चैलेंज जैसे। तो फिर हम फिर एक हफ्ता रुकेंगे आराम से। यार ऐसे थोड़ी होता है, सिर्फ भूत होते हैं, भूत पता नहीं भैया, तो ट्राई कर लेते हैं। जब इसे पता ही नहीं कि भूत होते हैं नहीं होते हैं तो डरते क्यों है फिर? अब जैसे देख भूतों को तो देख हमने देखा नहीं है, पर चैलेंज करना है पड़ेगा तभी हम रुक, जब भी हम 15 को चलेंगे, बता चैलेंज एक्सेप्ट कर दे। बस जाके वहां से वापस आना है। तू हमने पेड़ देख रखा है, मैंने और भैया ने, और अभी हम दोनों तेरे साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम तेरे को वहाँ जाके छोड़ देंगे। हां तब तो चलूंगी, लेकिन हम तेरे को पेड़ के नीचे खड़ा होके दाएं बाएं हो जाएंगे, हम दूर रहेंगे थोड़ा सा, 100 मीटर दूर खड़े हो जाएंगे, तेरे को पेड़ के अंदर रहना है, पेड़ में एक्चुअली क्या, पेड़ के अंदर छेद है। 10 मिनट की बात, ठीक है फिर छोड़, कोई नहीं, फिर एक हफ्ता रुक जा, शूट वूट बाद में कर लिया, वही फिर और क्या। इस तरफ की बात कर रहे हो, उधर जा बीच की साइड, समुद्र वहाँ पानी, अरे वहाँ नहीं जा, अरे उधर नहीं जाना, पार नहीं करना दीवार को, अंदर ही रिजोर्ट में सब, इधर बीच साइड। टाइमर लगा के 10 मिनट तक तेरे को उस पेड़ के नीचे रुकना है, जैसे तू और मैं रुक गई तो पक्का चलेंगे 15 को ही। हाँ पक्का, डन है, शर्त लगाओ, चैलेंज डन, ठीक है। तो भाई चैलेंज एक्सेप्ट हो गया है, चलो भैया आ जाओ, चलो कांग्रेचुलेशंस। हम वहीं रहेंगे, ठीक है, हम वहीं रहेंगे। तू अपना व्लॉग ऑन रखियो, जब तू 10 मिनट पेड़ के नीचे रहेगी ना तो तू ऑन रखियो, ताकि 10 मिनट तक दिखे तेरे कैमरा में कि तू पेड़ के नीचे ही थी, ठीक है? हां लेकिन रहना आसपास है। हां वहीं रहेंगे हम, तेरे को देखते रहेंगे दूर से, तुझे हम नहीं दिखेंगे लेकिन हमें तू दिखेगी। चलो गाइस लेट्स डू इट। सो गाइस होटल है बिल्कुल सुनसान, और हम लोग जा रहे हैं हॉन्टेड चैलेंज करने के लिए, क्योंकि सिब्बू ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसको क्यों लिया है आप साथ में? ये मान नहीं रहा, ये कह रहा मुझे भी देखने भूत। तुझे भी देखने भूत हैं? पाकर एक बार, ये सिब्बू तेरी लास्ट पप्पी हो सकती है इसके बाद। ऐसे मत बोला, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है? मेरे को करते लग रहा है, हो सकता है इसके बाद तेरे को भूत या भूतनी उठा ले जाए। गाइस आप देख सकते हो बिल्कुल सुनसान, मेरे को जाना है 15 को तो जाना है, मैं खड़ी हो जाऊंगी 10 मिनट और क्या, पर जाएंगे ना। तू खुद देख ले सिब्बू, होटल की हालत देख तू, सुनसान, कोई नहीं यार, और तेरे को ये चीज पता है, उस तरफ की जो 3 नंबर की लेन है, वो सॉरी 4 नंबर की लेन है, वो यार ये सब बोलने की नहीं होती, ये सब बोल के मत डरा मुझे, ठीक है? बात कुछ नहीं, बस मैं खड़ी हो जाऊंगी 10 मिनट, और तुमने प्रॉमिस किया है तुम 100 मीटर की दूरी पे रहोगे। गाइस टाइम देख लो, 11:47, 12 बजने वाले हैं, 12 बजे सिब्बू का हॉन्टेड टेस्ट होगा। तुमने कुछ बोलना नहीं है, ठीक है? आलतू जमीन में देख के चलना भी। अच्छा यहाँ कहाँ आ जाएगा मगरमच्छ? जब सांप मगरमच्छ बेटा जब आएगा ना, जब बता के नहीं आता, भूत कभी बता के नहीं आता, मगरमच्छ भी कभी बता के नहीं आता। यार तुम यहीं से देखो कितना ज्यादा डरावना लग रहा है वो।
तो मैं तो कह ही रहा हूँ तेरे को, अभी हम वहाँ थे हमारी भैया कितनी फट रही थी हमारी। सो गाइस अभी हम बस पहुँचने वाले हैं हॉन्टेड चैलेंज करने के लिए। ये भी आया है देखने। चलो भाई सिब्बू तू वो पेड़ देख के डर जाएगी, तो 10 मिनट तो खड़ी भी नहीं हो पाएगी। ये जो पत्ते हिल रहे, हवा चल रही है, आवाज आ रही है, मेरा ऐसे हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकता रचित। सर बचा के चलना, नारियल पड़ते देखिए। हाँ ये देखो भाई, एक तो ना यहाँ पे नारियल गिरते हैं ऊपर से, तो अपना सर्वर बचा के चलियो। उसको ऐसे ले लो ना भाई, ऐसे वो मगरमच्छ बता के नहीं आता, भूत बता के नहीं आता, और ऊपर से जब नारियल गिरता है तो बता के नहीं गिरता। ये देखे एक और गिरा हुआ नारियल। अरे बहुत भैया, बहुत सारे हैं, अनगिनत नारियल है। और मगरमच्छ का भी ध्यान रखना यहाँ। तो भाई 15 तारीख को फिर तुम मत जा। ये देख काम करी से ना, पेड़ में नहीं भेजते। हाँ। पेड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा, अंधेरे में वहाँ भेजते। तो अंधेरे में यहीं खड़ी हो जा बस 10 मिनट, थोड़ी आगे तक आगे पेड़ दिखा, दूर वाला देख। हाँ। तो उस पेड़ में मत जा, वो उसमें तो तेरी बहुत हालत खराब हो जाएगी। वो पेड़ तो ऐसा है, वो पेड़ ऐसा है, इसको नहीं दिखाया मैंने, हमने ब्लॉग में दिखाया था, आपको पता है मुझे पता, ब्लॉग नहीं देखा अभी तक, जनता को पता है, लेकिन इसने अभी तक ब्लॉग भी नहीं देखा ना, इसने वो पेड़ देखा, तो इसे कुछ भी आइडिया नहीं है उस चीज का। तो एक काम करो, वो पेड़ यार ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, सांप भी हो सकते हैं। हाँ पेड़ के अंदर देख, चल सांप का खतरा है, भूत के चक्कर में सांप ना काट ले। तू जा खड़ी हो जा। तू यार ये देखो रहा सुनसान, ना लाइट ना कुछ ना कुछ, ये लाइटें भी बंद कर दी इन्होंने। ओए आवाज आई कुछ अजीब सी बीच पे से, बीच पे से आवाज आई अजीब सी। छोड़ो ना, 10 मिनट वहाँ खड़ा होना सिब्बू तुझे। कहाँ पे? ये बस ये पास पे। देख एक ये पेड़ है, एक वो पेड़ है, देख देख देख, एक ये है एक वो है, उस पेड़ पे चली जा। हाँ। 10 मिनट। हाँ 10 मिनट खड़ी हो जा। 10 मिनट खड़ी हो जा। हाँ हम रेस्टोरेंट के पास रहेंगे उधर, और हम वहाँ से तेरे को देखते रहेंगे, और तू यहाँ खड़ी रहेगी 10 मिनट के लिए। व्लॉग में क्या रिकॉर्ड करना है? तू अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करियो कि गाइस मैं खड़ी हूँ, और अपना टाइमर लगा के रखियो कि तेरे को 10 मिनट होगी, जैसे 10 मिनट हो आ जाइयो वापिस, हम फिर 15 को चल लेंगे यहाँ से वापसी, वरना फिर हम। यार ये नारियल के पेड़ पे ना उल्टे पैर चुड़ैल चढ़ती है, मैं नहीं रुकूंगी, मैं नहीं सुना है। चलो मैंने। फिर भाई। नहीं मैं नहीं चढ़ के, मत जाओ मम्मी। नहीं रचित नहीं। ओ डरा दिया, सोना डरा दिया भाई तूने। नहीं छोड़ के मत, बच्चा मत डराओ भाई, बाल भी खुले हुए हैं मैंने। ओ सिब्बू बच्चा मत डराओ भाई मेरा। ओ सिब्बू तेरे पीछे देख। नहीं कुछ नहीं है मेरे को। ये देख क्या पड़ा है सिब्बू, ये देख क्या पड़ा है, क्या पता क्या है, पत्ता है नारियल का कुछ। ये ऐसा होता नारियल का पत्ता, पसली है किसी की, पसली चुड़ैल ने खाई है जो। यार सिब्बू यार ये तो चैलेंज एक्सेप्ट करके आई थी यार। जा सिब्बू जा खड़ी हो। मैं नहीं यार, यार मेरे बहुत डर लग रहा है उधर यार। ये तो गलत बात है, फिर इसका मतलब हमारी अंडमान की ट्रिप एक्सटेंड हो रही है। बस ठीक है छोड़ो, इसके बस की नहीं है। वैसे सच बताओ भैया, बच्चा तक साथ घूम रहा है, तू इतना डर रही है। वैसे फट तो रही थी मेरी भी है ना, मेरे को बहुत डर लगा था। तेरी सिब्बू, सिब्बू तेरे पीछे देख, सिब्बू सच में एक बार अपने पीछे देख, लाइट जल रही है ना वहाँ, देखो रही पागल बना रहा शने भी, देख डर के आ गया मेरे पास। यार सिब्बू ये क्या करा तूने यार, मैं बहुत डर लग रहा था, मैंने तो इतनी सुनसान सुनसान जगह, इतनी खतरनाक आवाज आ रही है, मैंने भाई क्या वो कर लेना सिब्बू, कर ले यार और क्या, 10 मिनट की तूने देख वर, फिर अपना शूट वूट। बहुत ज्यादा डरावना है मां, देख रहे हो आप एकदम नदी के किनारे लंबे लंबे पेड़, क्या डरावना देखो वो अंधेरे में, क्या डरावना है अंधेरे में, वो आखिरी वाला पेड़ देखकर वहां जाना है, क्या डरावना है बता, कितना अच्छा तो है, वीराना सा बिल्कुल प्यारा सा पारी। तुम जाओ, मैं भाई मैं तो अंडमान में रुका हूँ, जाना तेरे को है 15 तारीख को। नहीं मैं नहीं जा रही, अरे मजाक नहीं सच में जाना यार, मजा आएगा। मैं भैया मैं नहीं जा सकती सच में, मैं बहुत डर, क्या करा जाए फिर, चलो फिर कैंसिल, चलो फिर यार कैंसिल करते हैं, हम जीत गए, अब हम एक हफ्ता एक्स्ट्रा रुकेंगे अंडमान में। ओके शक्ल देखो इसकी, जैसे भूत देख लिया इसने। सिब्बू इतना डरती थी मुझे नहीं पता था, लिटरली इतना हमें लगा था कि जाके रुक जाएगी, हो सकता है उसके बाद कुछ भूतिया एक्सपीरियंस होता। बट चलो नहीं खड़ा सकता, वैसे भागो भागो, नहीं रुक जाते, अरे रो पड़ेगा रो पड़ेगा, मैं शरे को मेरे को दे दो सिब्बू।
ऐसे मत करना रचित भैया, व्लॉग के लिए थोड़ा करते, सिब्बू को छोड़ के भागते हैं। अभी हम सिब्बू को छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। भागो भागो भागो, क्या डर क्यों रही है यार? मैं साथ चल यार, ऐसे थोड़ी ये ऐसे मेरे को क्यों, तू भूत की तरह चिपट के चल रही है? ऐसे थोड़ी ना, साथ आएगा साथ। ओ पूल में भूत। अच्छा मैं पता क्या कह रहा था, देख देख अब तेरे को ना एक चीज दिखाता हूँ इस रेस्टोरेंट इस होटल की। हाँ। देख अरे हाथ तो छोड़ दे यार, ये जो लेन है ना पूरी, देख पूरी में लाइट है, ये एक्टिव लेन है। ये वाली लेन जो है ना, इसके सारे कमरे बंद है और सब पे चद्दर ढकी हुई है, पता है तेरे को? भूतिया है, गेस्ट नहीं होंगे इसलिए। आवाज आई, आवाज आई, भूतिया है वो, गेस्ट नहीं होंगे क्या? पूरी कवर कर रखी है और लॉक कर रखी है। भैया इन्हें नहीं चला दिया पैर। क्या हुआ बेटू, अल्लू डरा दिया तुमने? यार मैं बताऊं सिब्बू, मेरी खुद फट रही है इस वक्त, मुझे ये नहीं पता मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तू ऐसे क्यों कर रहा है यार, मैं सच में बहुत डर लगा मुझे। चलो गाइस मुझे आगे चलने दे। यार मैं क्यों पीछे चलूं, सबसे भूत आ गया तो मेरे को पकड़ेगा, ये चलेगा पीछे सबसे। इसको पद्दी बिठा लो भैया, ये डर गया था तुम्हारे चक्कर में। डरा नहीं था वो, चौंक गया था, उसे हो गया था कि कुछ हो गया सिब्बू को। अब तो सिब्बू तू इस रूम में जा रही है ना, ऐसा लग रहा है तू हॉन्टेड कमरे में जा रही है। फिर कहाँ जाएगी? हाँ? कहाँ जाएगी फिर? मैं साथ रहूंगी तुम लोगों के। आ जा फिर। शेट यार मेरी चप्पल टूट गई, शेट यार इतनी महंगी 6,000 की चप्पल टूट गई मेरी। डरा तू मुझे? अबे यार ये क्या हुआ, ये तो नुकसान हो गया यार। मुंबई से ली थी गाइस, 6,000 की चप्पल टूट गई यार। सो गाइस चैलेंज तो हम लोग जीत गए, लेकिन सच में मैं सिब्बू देख चैलेंज हार गई वो अलग बात है, लेकिन सच में ये चैलेंज बहुत खतरनाक था। अगर मैं तेरी जगह होता ना मैं भी क्विट कर देता, मैं भी नहीं करता, मैं भी बोलता भाई जो करना है जीत गए तुम लोग, जो करना है करो। लास्ट में पता है तुझे क्या किया, जब ये मैं नहीं गई ना वहाँ पे, इसने बहुत तिकड़म लगा लिया कि मैं चली जाऊँ, मैं फिर भी नहीं गई, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वहाँ चली जाऊँ। ऐसे ड्रामा व्यू आ रहा था पूरा, और आवाज़ें खट खुट पता नहीं क्या क्या, और सर सर हवा चलने की आवाज़ें। फिर इसने क्या किया, हम आने लगे, इसने नीचे झुक के मेरे पैर यूं ऐसे हाथ लगा दिए पैरों में, इतने तेज में उछली, ये डर गया शनु भी डर गया। मजा आया लेकिन सिब्बू, और मैंने सुन लिया था भैया कह रहे भैया भागते हैं ना, मैं छोड़ा ही नहीं, से फिर इसका हाथ पकड़ लिया। सो गाइस इसी के साथ चैलेंज जीत चुके हम लोग, और हमारी अंडमान की ट्रिप हो गई है एक्सटेंड। अब हम आराम से घूम फिर के बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें, अनएक्सपेक्टेड ट्रिप्स, अनएक्सपेक्टेड स्पॉट्स जाएंगे, जो आज तक हमें ना कभी देखी है ना कभी सोची थी। चल लेते हैं यार 15 को मेरी या फिर अकेले की करा दो, चैलेंज आ रही है अब तू। हारना वारना जीतना तो क्या यार, मेरी अकेले की करा। अब तू बोलती रहे, अब तेरी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि अब चैलेंज मैं जीत चुका हूँ। तो चलो भाई आई होप पसंद आया होगा ये व्लॉग आपको, हमारी तो बहुत खस्ता हालत होगी, देख लो कैसे पसीने पसीने हो गए। मैं सोच सकता हूँ सिब्बू के ऊपर क्या बीत रही होगी इस टाइम, बट सच में होटल भूतिया है। हम इतने रात को सच में आवाजें आती है भाई, सच में कुछ है। मैं तो कल उठ के बाहर गई थी ये देखने के लिए कि कौन बुला रहा है, बार बार ऐसा लगता है कोई बुला रहा है। अरे हमें हमारे मतलब कि मुझे मेरे कमरे से यूं लग रहा था कि आप बुला रहे हो, बुला रहे थे आप रात को, फिर कौन बुला रहा था तेरे को? तू बुला रहा होगा डराने के लिए। मैं तो खुद सो रहा था यार, मैं कहाँ से बुलाऊंगा भाई साहब। ऐसे लगता दरवाजा कोई बजा रहा है, बार बार दरवाजा बजा रहा है, दरवाजे से भी आवाज आती है, और ये जो बाथरूम का गेट है ना, मतलब बाथरूम का जंगला है उस साइड, उसमें से भी आवाज आती है खटर पटर की। रात को डर लगता है यहाँ बहुत। और गाइस यहाँ पे सुबह हो जाती है 6 बजे लगा लो, पूरा सूरज निकल जाता है। 5 बजे भाई, 5 बजे 5 बजे पूरा सूरज निकल जाता है, और शाम को 5:30 बजे पूरा सूरज छुप जाता, अंधेरा हो जाता 5:30 बजे। तो 5:30 बजे से लेके डर लगना स्टार्ट हो जाता है जैसे अंधेरा होता है। हम फिर भी इतनी हिम्मत करके व्लॉग बनाने वहाँ चले गए, पता नहीं कैसे। चलो भाई एंड करते हैं अभी इस व्लॉग को, रात बहुत हो गई है, 12 बजे के भी काफ़ी टाइम हो गया, 12 बजे के ऊपर। कल मिलेंगे फिर नए व्लॉग के साथ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और अंडमान की ट्रिप अभी बहुत मस्त होने वाली है, बहुत बहुत लंबी होने वाली है, तो आई होप आप एंजॉय करोगे। चलो ठीक है, 15 दिन की ट्रिप है। हाँ 15-17 पता नहीं कितने दिन की ट्रिप है अब तो।
अब तो चलती रहेगी और मस्त मस्त चीजें आपको दिखती रहेगी। हमने बहुत कुछ प्लान कर लिया आपके लिए, ठीक है? चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।